नमस्कार, रणवीर सिंह पेंटर यूट्यूब में आपका स्वागत है। हम आपको दिखाएंगे आज कि कोरी दीवार पे पीओपी किस प्रकार से लगाई जाती है। पहले इस पर रेगमार लगाया था, रेगमार लगाने के बाद इस पर पीओपी कर रहे हैं। ये गुरमाला व पत्ती से पीओपी कर रहे हैं। पीओपी करने के बाद अब इस पर 2 घंटे सूखने के बाद इसको आपको वॉल पुट्टी मार के दिखाया जाएगा। यह वो जगह है जहाँ पे फिल्म बहुत ज़्यादा आ रही है, फिल्म आ रही है छात में। इसके लिए हमने एक वाटरप्रूफ घोल तैयार किया है, जो इसके ऊपर अच्छी तरह पत्ती लगाकर इसको तैयार करेंगे। झाड़ू लगाएंगे, पत्ती लगाएंगे, रेगमार लगाएंगे। रेगमार मारने के बाद इसको अच्छी तरह कम से कम 15 दिन सुखाने में लगेंगे। इसकी वाटरप्रूफिंग करेंगे। वाटरप्रूफिंग करने के बाद इस पर वाल पुट्टी का घोल लगाएंगे। फिर गुरमाले से इस पर पतली पतली वाल पुट्टी भरेंगे। 2.3 वाल पुट्टी भरते ही इस पर कलर कॉम्बिनेशन करना पड़ता है। इस पर वाल पुट्टी लगा कर आपको दिखाएंगे कलर एंड कॉम्बिनेशन। ये देखो जी, दीवारों में कितनी फिलर आ रही है, ये आप देख रहे हैं। ये देखो जी, दीवारों में कितनी फिलर आ रही है जो हम आपको दिखाएंगे। छातों से पानी टपक रहा है। ये पानी रोकने के लिए इस पर वाटर प्रूफिंग की करेंगे। वाटर प्रूफ करने के बाद हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये देखो जी, ये पानी की टंकी से कितना निकल रहा है पानी। इसको बोलते हैं वाटर प्रूफिंग करेंगे। इस पर रेगमार लगाया है, पत्ती लगाई है। पत्ती लगाने के बाद इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। तैयार करने के बाद इस पर एक घोल वाटर प्रूफिंग करेंगे। वाटर प्रूफिंग सीमेंट लगाई जाएगी यहाँ पे। वाटर प्रूफिंग सीमेंट लगाने के बाद इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। फिर इसको गोल बना के लगाया जाएगा यहाँ पे। ये देखो जी, ये पेंटर भाई पत्ती से साफ कर रहा है, एक एक आइटम पूरा जोर लगा के साफ कर रहा है। इसको बोलते हैं वाटर प्रूफिंग। क्लिकिंग कैसे की जाती है,